वेलकम प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा पांचवी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के बारे में, जो आपका 7 मार्च को गणित सब्जेक्ट का पेपर है। पूरा का पूरा रियल पेपर लेके आ गया हूँ आपके स्क्रीन पर, और साथ में इसका मैं पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर के साथ आपको यह पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, विषय गणित रहेगा और पूर्णांक 60 दिया जाएगा, कुल पृष्ठों की संख्या 8 है। अब आपको वार्षिक परीक्षा में दोस्तों किस तरह भरना है, बोर्ड का पेपर होगा वार्षिक परीक्षा में, यानी पांचवी का बोर्ड परीक्षा होगा, तो आपको रोल नंबर भरना है, पहले अंकों में भरना है और फिर शब्दों में भरना है। यहाँ पास अपने स्कूल या विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पास डाइस कोड लिखना है, परीक्षा केंद्र यानी आपका जहाँ पेपर हो रहा है उस स्थान का नाम लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है, और किस तारीख को परीक्षा हो रहा है उस तारीख को लिखना है यहाँ पास। तो इसी तरह हम आगे देखते हैं, यह हो गया भरने की बात। इधर आपको कुछ नहीं भरना है, आपका जो इसे कॉपी जांचेगा उसको ये भरेगा। इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों आगे, तो आगे हम बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न में 1 से 10 तक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, इसमें सही शब्द चुनकर लिखिए। तो 1 करोड़ में कितने हजार होती हैं, यह 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सी नंबर सही है, 10,000 होते हैं, 10,000 होते हैं 1 करोड़ में। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अक्षरों में समकोणों की संख्या है, ये जो ई बना है इसमें समकोण की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसको आपको पूरा का पूरा टिक कर लीजिए, पूरा का पूरा 100% श्योर है दोस्तों ये पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का है, नीचे दिए गए आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। यह आकृति दिया गया है, पहला है 4 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है 8 वर्ग सेंटीमीटर और तीसरा है 7 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा है 5 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई आकृति में कितना हिस्सा छायाकृति है, यानी कितना हिस्सा छायाकृति है, कितना हिस्सा छाया से भरा है और कितना हिस्सा नहीं भरा है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है दोस्तों 4/16, दूसरा ऑप्शन है 4/12, तीसरा ऑप्शन है 4/6 और चौथा ऑप्शन है 4/10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 4/16, आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही प्रोवाइड आपको करा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, निम्नलिखित में से 21 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है 1, 3, 7, दूसरा ऑप्शन है 1, 3, 7, 21 और तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 21 और चौथा ऑप्शन है 3, 7, तो इसका बी नंबर सही आंसर होगा 1, 3, 7 और 21, इसके 21 का गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थानों की कौन सी छायाकृति होगी, तो ये दिया गया है, इसमें सही आंसर डी नंबर होगी, ये इस तरह का चित्र आपको आंसर इसी तरह दिया गया, इसी तरह आपको आंसर लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 नंबर का प्रश्न है, ए नंबर है 1/10 मीटर, दूसरा है 1/100 मीटर, तीसरा है 1/1000 मीटर और तीसरा है 1 मीटर, तो इसका बी नंबर सही होगा 1/100 मीटर। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई किस आकृति को मोड़कर घन बनाया जा सकता है। यह आकृति फर्स्ट, आकृति सेकंड, आकृति थर्ड और आकृति फोर, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगी, आकृति 2 यानी आकृति 2 को मोड़कर घन बनाया जा सकता है। जिस तरह आंसर लिखा है उसी तरह आपको पेपर में आंसर लिखना है दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह की बनावटी नहीं करनी है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नेहा हर रोज 10 गिलास पानी पीती है, तो वह 15 दिन में कितने गिलास पानी पिएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 150 गिलास, दूसरा है
15 गिलास और तीसरा है 10 गिलास और चौथा है 25 गिलास, तो इसका सही आंसर होगा 150 गिलास। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आपको सेम टू सेम आंसर लिखना है, जैसे बी नंबर सही है तो बी और बी डाल के इस तरह कोष्टक करके 9 लिख देना है, जिससे आपको अगर ये भी मिस्टेक हो गया तो ये बी नंबर से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, संख्या 342 का बीजांक क्या होगा, तो बी नंबर 9 नंबर होगा। अब लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न 11 से 20 तक है, ये यहां पास नोट दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 24 तक के प्रश्नों के यदि किसी भी अन्य विधि से भी सही सही हल करते हैं तो उन्हें पूर्ण अंक दिया जाएगा, यानी किसी भी विधि से आप हल कर दीजिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्कूल में 248 विद्यार्थी कैंप में गए, हर तंबू में 4 विद्यार्थी को ठहराया गया, उन्हें कुल कितने तंबुओं की जरूरत पड़ेगी, तो विद्यार्थियों की संख्या है 248, एक तंबू में 4 विद्यार्थियों को ठहराया जाना है, तो तंबुओं की कुल संख्या होगी 248/4 यानी 62 तंबू। यह इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का आ जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरे का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, समकोण के आधे कोण की माप डिग्री अंश में कितनी होती है, एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है तो उसके आधा यानी 1/2, उसकी आधा यानी 1/2 समकोण की माप 1/2 × 90 डिग्री तो 45 डिग्री इसका सही आंसर होगा, आपको इस तरह पूरा का पूरा हल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी आकृति का परिणाम ज्ञात कीजिए, प्रत्येक खाने की भुजा किस 1 सेंटीमीटर है, तो यह खाना दिया गया है, दी गई आकृति में प्रत्येक खाने की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, सभी खानों की लंबाइयों का योग 22 है, तो अंततः दी गई आकृति का परिणाम होगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, 1/5 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए, तो 2/10, 3/15 और 4/20 दिया गया है, तो 1/5 × 2 इसके समतुल्य लिखना है, तो 2/10 हो गया और 1/5 × 3/3 तो इसका 3/15 हो गया, 1/5 × 4/4 तो 4/20 हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, संख्या 4 के प्रथम 3 गुणज लिखिए, संख्या 4 के प्रथम 3 गुणज क्या क्या होंगे, 4 × 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, यह आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के हम नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपको पूरे के पूरे पेपर हल करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रत्येक दिए गए वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरिए, नियम क्या दिया गया है, हर पंक्ति का जोड़ 75 हो, 24, 29, 22 इधर से भी जोड़ेंगे तो 75 होगा, इधर से भी जोड़ेंगे तो 75 होगा, 23, 25, 27 तो इधर से भी जोड़ेंगे इधर से भी, और 28, 21, 26 तो इधर से भी जोड़ेंगे इधर से, आप जोड़कर देख लीजिए, आपको पूरे के पूरे आंसर श्योर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, एक केले का मूल्य 3/3, 3.5 रुपए है, तो 2 सही 1/2 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा, यह 3 नंबर का प्रश्न है। एक दर्जन केलों का मूल्य 12, एक दर्जन में केलों की संख्या 12 होती है, इसका आधा कर दिया यानी 2 सही यानी 2.5 कर दिया जाए तो 30 होगा, एक केले का मूल्य 3.5 है तो 30 किलो का मूल्य कितना होगा, 2 सही 1/2 दर्जन का मूल्य 30 × 3.5 = 105 रुपए। 18 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों हमारा 18 नंबर का कौन सा प्रश्न है, आपके आसपास ऐसी 3 वस्तुओं के लिखिए जो घन की तरह दिखाई देती हों, हल, पासा, चौक का डिब्बा, घनाकार बॉक्स, आसपास के अन्य 3 घनाकार वस्तुओं को सही नाम लिखकर प्रत्येक सही 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, यह चित्र दिया गया, यह पेन से बनाया हुआ है, इसका एक हल है, उपरोक्त चित्र में 2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाली
क्षेत्रफल वाली आकृति बनी है। बिंदुओं को जोड़ते हुए आप 7 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली आकृति बनाइए। यहाँ डॉट से डॉट मिलाने का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, यानी इस डॉट से इस डॉट में मिलाएंगे तो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। दो वर्ग सेंटीमीटर मिलाना है तो आपको इस तरह, यह आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ये इस तरह का आंसर होगा, आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, उर्व त्रियक विधि से गुणा कीजिए। उर्ध त्रियक विधि से गुणा कीजिए, 1 2 3 3 2 1 है तो आप, यह उर्ध त्रियक विधि है ये तो अंतः 123 × 321 है तो 39483 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे दी गई घड़ियों के समय देखकर बताइए कि उसमें सुइयां किस तरह के कोण बना रही है और समय भी लिखिए। कोण का प्रकार समकोण इस तरह का बना रहेगा तो समकोण हो गया और समय है फिक्स 9 बजे है। समय कितना है, फिक्स 9 बजे है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, कोण का प्रकार बताइए तो समकोण से कम माप का कोण है तो 5:25 है। इस तरह पूरा का पूरा आंसर लिखना है आपको, जो पेपर दिया जाएगा उसमें ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 30 सेंटीमीटर लंबे रिबन की एक आयत बनाइए, यदि आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसे चौड़ाई कितनी होगी। आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, आयत की क्षेत्रफल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यह आप देख सकते हैं और इसका हल करना है आगे। तो आयत का परिमाप 6 + 6 + चौड़ाई + चौड़ाई, 30 = 12 × 12 + 2 × चौड़ाई, 2 × चौड़ाई इधर आ गया तो 30 इधर चला गया, तो प्लस है 30 में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 × 12 = 18 हो जाएगा। चौड़ाई बराबर 18/2 इधर जाएगा तो यानी गुड़े के रूप में है तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह आंसर हो गया। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, नीचे दी गई आकृति ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग बराबर क्षेत्रफल के 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यह चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको हल किस तरह करना है आपको हम बता रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन जरूर कर ले। दी गई आकृति ABCD का क्षेत्रफल 26 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल प्लस 6 आधे अधिक वर्गों की क्षेत्रफल, 26 + 6 = 32 वर्गों का क्षेत्रफल, आंसर होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, मयंक ने 5760 रुपये का दूध खरीदा, यदि 1 लीटर दूध की कीमत 64 रुपये है तो उसने कुल कितने लीटर दूध खरीदा। मयंक द्वारा दूध खरीदने पर लगाए गए मूल्य 5660 रुपये है, 1 लीटर दूध की कीमत 64 रुपये हो गया तो मयंक द्वारा खरीदा गया कुल दूध 5760 × 64 लीटर में तो बराबर 90 लीटर दूध खरीदा गया, यह आपकी स्क्रीन पर इसी तरह सेम टू सेम लिखेंगे। आपको पूरे के पूरे बोर्ड परीक्षा में कोई नंबर नहीं रोक सकता अगर एक एक पूरे अकेडमी से पूरा का पूरा वीडियो आप चेकआउट करके गए हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसका सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई तक वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।